हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने चिकन की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मेरी भी ये बहुत फेवरेट रेसिपी है। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 केजी और है 2 लेग पीस लिए हैं मैंने, बड़े बड़े से, इसको काटा नहीं है, छोटा नहीं किया है, और कुछ मीडियम साइज के मैंने पीसेस ले लिए हैं। और मैरिनेशन के लिए, मैरिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 मुट्ठी भर धनिया, 1 मुट्ठी भर पुदीना, थोड़े से मैं जो कि लहसुन बहुत मुझे पसंद है तो लहसुन मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ, अदरक थोड़ा सा ही हमें अदरक लेना है। मेरे पास है कुछ हरी मिर्ची और थोड़े से ब्लैक पेपर, मैंने भिगो के रखा है, थोड़ा सा एलमंड और थोड़ी सी काजू जो मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखे थे, ये दोनों चीजों को भी एक साथ दूंगी और सभी चीजों को एक साथ मैं मिक्सर में पीस लूंगी और फिर मैं मैरिनेशन के लिए रेडी करूंगी। नमक 1 चम्मच भर के मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, अगर आप चाहते हैं तो सरसों के तेल में भी आप बना सकते हैं या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। इसे रेसिपी में जीरा, धनिया, गरम मसाला कुछ भी मैं यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी अलग रेसिपी है और इस तरह से ही खा के बहुत मजा आता है। सभी चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है, अभी इसको मैं अच्छे से पीस लूंगी और आपको दिखाती हूँ पेस्ट कैसी बनी है। ये देखिए मेरी पेस्ट रेडी हो गई है और कितनी बढ़िया पेस्ट है, देखिए। जरूर से जरूर आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए घर पे और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। को लगता है कि आपकी चिकन जो है थोड़ी थोड़ी पानी है, चिकन में थोड़ा सा पानी है, तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर लेके उसे डैब कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, टिश्यू पेपर लग जाता है तो उसको निकालना भी जरूरी है। इस तरह से डैप कर लीजिएगा ताकि पानी पूरा खत्म हो जाए चिकन से। तो अभी मैं इसको मिक्स करूंगी और चिकन में अच्छे से अप्लाई करूंगी क्योंकि ये घर के लिए है, कोई ऑर्डर का रेसिपी नहीं है, तो इसलिए मैं कोई ग्लोव्स यूज नहीं कर रही हूँ, ये घर के लिए ही बनाया है मैंने। हम ये पेस्ट बनाएंगे तब तेल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि तेल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इस रेसिपी में बहुत काम का है, क्योंकि तेल तेल के वजह से ही ये मसाले मसाले में ये सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चिकन में लग जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा तेल नहीं देंगे तो अच्छे से ये लगेगा नहीं, और मैरिनेशन आप जितना लॉन्ग रखोगे उतना ही चिकन के अंदर में अच्छे से जाएगा और अच्छे से अच्छा लगेगा आपको खा के। तो मैंने चिकन में इस तरह से पूरा पेस्ट लगा लिया है और मैं इसको फ्रिज में रखूंगी 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स के बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगी। और अभी जो 3 घंटे से मैंने मसाले को, ये जो पेस्ट है, पेस्ट को जो मैंने चिकन में लगा के रखे थे, तो चिकन भी बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट हो चुकी है, चिकन ने सारे मसाले को अच्छी तरह से जकड़ लिया है। तो अभी हम जब बनाएंगे तो खा के भी इतना ही मजा आएगा जितना हमने वेट किया है ना, उतना हमें खा के भी मजा आएगा। या फिर आप तो मैंने ऐसे पीसेस, तो अभी मैं चिकन के पीस को कर लूंगी फ्राई, अच्छे से फ्राई होने दूंगी। इसी में मैं थोड़ा सा बटर भी दे दूंगी, थोड़ा सा बटर दूंगी तो उसका टेस्ट भी आएगा। बटर में ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटर में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा। और गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है और मैं बार बार फ्लिप नहीं करूंगी, इसी तरह से मैं 15 मिनट इसको इसी तरह से रखूंगी और 15 मिनट बाद मैं चेक करूंगी और उसको उल्टा कर दूंगी, फिर 15 मिनट हम कुक करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ फिर आगे की प्रोसेस।
अभी मेरी चिकन 15 मिनट हो चुकी है एक साइड को होते हुए, अभी मैं इसको पलटाना स्टार्ट करूँगी। देखिए मैंने एकदम लो फ्लेम रखा है ताकि अच्छे से स्लो कुक हो, अच्छे से कुक हो, मसाले वगैरह अच्छे से इसको लग जाए। तो मैंने स्लो कुकिंग में ही इसको बनाना स्टार्ट किया है। तो साइड के पीसेस को मैं पहले पलट लेती हूँ। ग्रिल पैन, अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो ले सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिल पैन अवेलेबल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पैन में आपको बनाना है, ठीक है। तो ये पीस थोड़ा बड़ा है, इसको मैं हाथ से ही टर्न करूँगी। देखिए कितनी बढ़िया से मेरी चिकन पक रही है, देखिए लग रहा है ना टेस्टी होगी। मैं बता रही हूँ, आप एक बार बना के खाइए घर पे और फिर मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आपकी रेसिपी की जो फोटो है मुझे भी शेयर कीजिए। जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ में शेयर कीजिए ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, है ना। तो बढ़िया सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और एकदम फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको 15-20 मिनट बाद में एकदम फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊँ। तो अभी मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, तो मेरी ये साइड भी चिकन पक चुकी है। और ये रेसिपी इतनी अच्छी है और इतनी इजी है, खाने में तो अच्छी होगी और इतनी इजी है कि आपको बार बार फ्लिप करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप एक साइड से 15-20 मिनट पका लें, फिर दूसरी साइड फ्लिप करके 15-20 मिनट पका लें, और देखिए मेरी रेसिपी भी एकदम रेडी है, ये बन के रेडी हो चुकी है। तो दिसंबर का महीना है, न्यू ईयर भी आ रहा है, नया साल आ रहा है ना, तो घर में इतनी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी, टेस्टी सी रेसिपी बनेंगी तो आदमी कहाँ रेस्टोरेंट जाएगा। तो आप भी बनाइए अच्छी अच्छी रेसिपी और घर में अपने जनों को खुश कर दीजिए। तो जब भी रेसिपी को ट्राई करें मुझे भी मैसेज कर दीजिए और एक फ़ोटो भी शेयर कर दीजिए, और ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी जो है मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया पे, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी मेरा चैनल जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और अगर आप एक लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो यही मेरी गिफ्ट होगी, यही मेरी प्राइज़ होगी, और इसी को मैं यही मुझे एनकरेज करेगी कि ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेके आऊँ। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।